आ जाओ, चलो लेके चलते हैं रिक्शा में। कहाँ जाना है आपको? मैडम हमको जाना है कोलम्बो। कितना पैसा लगेगा? कोलम्बो तक तो देखो 5,000 श्रीलंकन लगेगा। इंडिया मत बोलना कि वहाँ से इंडिया छोड़ दो, ठीक है? नहीं, 2000 बजट है। इंडिया का मैं 1 लाख रुपए दूंगी, चलोगे? इंडिया का 1 लाख रुपए। काम करो मत आओ, मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ लेता हूँ। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये पूरा ब्लॉग डेडिकेटेड है टू आरुगम बे, जो कि कोस्टल एरिया है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। Aru means six, Gum means village, and Bay means by the bay. Arugam Bay. That is Arugam Bay. We are at Arugam Bay. That's the bay. And that's the bay. जी हाँ, आरुगम बे का मतलब तमिल में होता है 6 गांव का बे। ये पड़ता है श्रीलंका के साउथ ईस्ट कोस्ट में और ये एक ड्राई जोन है। यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी सेटलमेंट है, जिसमें कि सदर्न साइड में श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला पॉपुलेशन भी मौजूद है। आरुगम बे एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और अपने सर्फ टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो मोस्टली आपको यहाँ टूरिस्ट चिल करते हुए नजर आएंगे, जो कुछ हफ्तों के लिए एट स्ट्रेच यहाँ रहने आते हैं और सर्फिंग का मजा लेते हैं। एज फार एज स्टे इज कंसर्न, यहाँ आपको हर बजट के होटल्स मिल जाएंगे। हमारा स्टे वाज एट दिस 5-स्टार प्रॉपर्टी कॉल्ड जेटविंग सर्फ। मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप इस पूरी प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। स्पीकिंग ऑफ हाउ टू रीच आरुगम बे, तो कोलंबो से रेगुलर बसेस डेली चलती हैं, जो आपको 6 से 7 घंटे में आरुगम बे पहुंचा देंगी। ये सबसे चीपेस्ट और डायरेक्ट ऑप्शन है आरुगम बे पहुंचने का, क्योंकि यहाँ तक डायरेक्ट कोई ट्रेन या प्लेन कनेक्टिविटी नहीं है। तो बाय रोड यहाँ आना सबसे चीप है, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एल्ला और बदुल्ला, और फिर वहां से बाय रोड अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में आप बे पहुंच सकते हैं। सिंस मैं श्रीलंका टूरिज्म के साथ रोड ट्रिप पे थी, तो मैंने यहाँ का सफर हाबरना से शुरू किया था और 5.5 घंटे में कवर किया था। और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये मैंने अपने लिए फ्रूट प्लेटर मंगाया है। निवेदित का खाना अभी तक आया नहीं है, आया था खत्म हो गया, खत्म भी हो गया। और प्रतीक फ्रूट प्लेटर खा रहा है, बहुत हेल्दी खाना खाता है वो। तो क्या खा रहा है? फ्रूट प्लेटर और साथ में ये मिल्क राइस और ये हॉपर्स जो कि वेज है, स्ट्रिंग हॉपर्स। इसको अपन दाल में, जो दाल बनती है ना घर पे ताजी बिना तड़के की, उसके साथ दबा के खा रहे। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो खाते हैं फिर। मॉर्निंग का ये लाजवाब ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने एट आरुगम बे। श्रीलंका का फेमस ट्रेडिशनल कंडियन डांस फॉर्म। ऐसा माना जाता है कि ये डांस फॉर्म प्रिंस सिद्धार्थ, जो आगे चल के गॉड बुद्धा से वर्ल्ड फेमस हुए, उनके टाइम में ओरिजिनेट हुआ था। सेलिब्रेशंस के बाद हमने डिसाइड किया कि लंच से पहले थोड़ा लोकली घूम लिया जाए और अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो शॉपिंग भी कर ली जाए। इन शॉप्स में आप बार्गेन करके अच्छे डिस्काउंट्स ले सकते हैं। ठीक है चले आते हैं। चलो ठीक है, चलो शुक्रिया मैडम। It's my pleasure doing business with you. आई विल हाईली रिकमेंड दिस शॉप अगर आप कपड़े और साथ में सूवेनियर्स खरीदना चाहते हैं एट अ ग्रेट डिस्काउंट। तो अगर आप आरुगम बे जाएं, इस शॉप को जरूर चेकआउट करिएगा। ये लोग बैठे हैं, ये माश है, इनको टंगड़ी खानी है। ये रही तंगड़ी हम तो वेजिटेरियन खाएंगे। ये वेजिटेरियन है। हाँ, मैं तो नहीं। ये भी वेजिटेरियन है, ये तो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। वो अंडा खाने वाला वेजिटेरियन, वो अंडा एगिटेरियन है। ये तो वीगन है, ये तो है ना, वीगन है ना, वेजिटेरियन, वीगन वेरी स्ट्रॉन्ग जेनिटेरियन। और मैं खा रही हूँ नॉन वेजिटेरियन प्लेट। अभी हम लोग आए हुए हैं आरंगम बे में लंच करने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम जो कलिनरी एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी का जो उनका फूड होता है। और उन्होंने सर्व भी बिल्कुल वैसे किया है, प्लेटिंग करके एकदम खूब सारे चावल के साथ में सब्जी चिकन सब कुछ इकट्ठा दे दिया है। तो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा और चिल करने के लिए निकलेंगे बाहर, शायद शॉपिंग भी करेंगे। लेट्स सी। यहाँ खाने की सारी चीजें एक राइस प्लेट पे साथ में ही सर्व करी जाती हैं। तो ये जो है ना, ये मिक्स वेज है, इसको अच्छे से फ्राई किया, फ्राई नहीं किया है बट तेल में अच्छे से पकाया गया है, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें। आई थिंक मेरे को बीन्स दिख रहे हैं, ग्रीन अनियन है, कैरेट्स हैं। और ये ना जैसे हमारा मटर पनीर होता है ना, उसमें पनीर नहीं है, बस मटर है और साथ में काजू है। अगेन इट टेस्ट रियली गुड, मतलब मुझे बिल्कुल घर के खाने की तरह का फ्लेवर आ रहा है। जो मेरा सबसे फेवरेट है ना वो ये है, दिस लाइक अ मिक्स ऑफ चटनी एंड अचार के जैसा सा कुछ है। इसमें सिर्फ हरी हरी छोटी छोटी प्याज है, इनको पता नहीं गुड़ के साथ में या पाम हनी या पता नहीं किसके साथ में मिक्स करके बनाया। तो ये इसको चटनी की तरह भी आप खा सकते हो और प्याज की तरह भी खा सकते हो। और उसके अलावा दिया है ये कच्चे केले की ड्राई सी सब्ज़ी है। अगेन ये चावल के साथ में परफेक्टली जा रही है। एंड अगर आप मीट की बात करें तो फिर ये चिकन, डीप फ्राइड चिकन दिया है। ओवरऑल खाना बहुत टेस्टी है, तो मुझे तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता ही नहीं क्या। और इसके ना अंदर आप देखेंगे बहुत सारे खड़े मसाले हैं, तो बेसिकली ये बिरयानी है, इसमें खड़े मसाले बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा स्पाइस लेवल ज़्यादा है, बट फिर भी खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये खाना वाकई में काफ़ी टेस्टी था, जिसमें खड़े मसाले यूज़ किए गए थे, जो समवॉट मुझे दिल्ली की याद दिलाने लगे। और लास्ट में सर्व करी गई थी ये वनीला आइसक्रीम विद फ्रेश फ्रूट्स, जिसे खाकर मजा ही आ गया था। ये बढ़िया सा लंच करके हम निकल पड़े एक एडवेंचर पे। वेलकम टू द कुमाना नेशनल पार्क सफारी, जो मोस्टली अपनी बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। अगर आपका बीच से मन भर गया है तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट जैसी फील भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं और उनमें से एक नेशनल पार्क में हम अभी जाने वाले हैं, जो फेमस है अपने लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स के लिए। इस नेशनल पार्क का नाम है कुमाना नेशनल पार्क। और मुझे ये जानकारी मिली है कि यहाँ का टिकट 2000 रुपीज़ यानी 2000 इंडियन रुपये के बराबर का है। हमें परमिशन मिल गई तो हम चलते हैं। इस जीप सफारी का रूट काफ़ी लंबा था एंड कोर एरिया तक पहुँचने में ही हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा वन साइड लग गया था। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा ये सफारी एक्सपीरियंस कितना लंबा रहा होगा। नेवरदलेस बीच बीच में हम एनिमल एंड बर्ड स्पॉटिंग करते चले, तो मजा भी इक्वली आया और हम एक पल भी बोर नहीं हुए। कोर फॉरेस्ट एरिया में ऐसी सफारी करके एक नेचुरल फॉरेस्ट की फील लेना ही अपने में काफी मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने तो यहाँ नेचर के नज़ारे और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय किया। हर सफारी की तरह इस सफारी में भी मैं लेपर्ड देखने की हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गई थी, बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंजॉय करने की एक्सपेक्टेशन से गई थी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। ऑल्दो हमारे जीप ड्राइवर ने हमें ग्लिम्स दिखाए उनके ही कैप्चर वीडियोस के ऑफ द लेपर्ड जो उन्होंने हमारे विजिट से बस कुछ ही दिन पहले देखा था। Overall, it was a great experience जो आप भी try कर सकते हैं upon your visit to Arugam Bay. बस आपका आधा दिन इसको dedicate करना पड़ेगा, so keep that in mind while planning your itinerary. इस सफारी के बाद हम वापस अपने होटल आ गए and we had an amazing dinner and called it a night. अगले दिन हमने आरुगम बे के लोकल मार्केट की एक और साइट को चेकआउट किया। अभी हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए, शॉपिंग क्या ऐसे घूमने आए हैं मंडी में, और यहाँ पर सारी सब्जियाँ वब्जियाँ बिक रही हैं, काफ़ी महंगी है, लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा ब्लॉग करके चेकआउट किया जाए क्या क्या सब्जी मिल रही है। क्या 1 किलो 200, ये प्याज 1 किलो 200 का है यहाँ पे। सब सस्ता इधर, सब सस्ता है, कुछ भी महंगा नहीं है। ये 1000 श्रीलंकन रुपीस के अंगूर है 1 किलो। ये यहाँ का बस स्टेशन है। यहाँ की बस देख के ना मुझे बॉम्बे की याद आ गई, बिल्कुल वैसी लाल लाल कलर की बेस्ट वाली बसेस हैं, और मुझे बिल्कुल फील आ रहा है ऐसा 2 मिनट की लगा जैसे मैं बॉम्बे में आ गई हूँ। और ये है श्रीलंकन जलेबी जो कि है 1000 रुपये किलो, जैसा कि प्रतीक ने बताया। एंड व्हाट इज दिस? बूंदी। वी आल्सो कॉल इट बूंदी इन इंडिया। श्रीलंकन जलेबी दिख गया है, ये देखो यहाँ पर बूंदी है, इसको यहाँ पर ये लोग बूंदी ही बोलते हैं। और ये है यहाँ का श्रीलंकन लॉटरी। हेलो आयु भवन। तो हम लोग ना अभी यहाँ पे लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, 20 रुपये श्रीलंकन रुपीस का है, एंड इसका रिजल्ट कल ही आ जाएगा, तो ट्राई करते हैं, लग देखते हैं क्या होता है। अगर निकल गया तो मजा आएगा, नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं है। तो मैं अभी 2 टिकट खरीदने वाली हूँ, 20 श्रीलंकन रुपीस की टिकट है, एंड आई एम गोना गो फॉर 1 शिलिंग। एक इनमें से ये लेने वाली हूँ मैं 1 करोड़। में 5 करोड़ का लॉटरी लिया है, देखते हैं क्या सीन है आगे जाके, कल पता चलेगा। ये वाला लंका है बरू पेचारा देना अरे बात आओ ना बंदर दिबुना तो पेचारा देना। तो ये दो टिकट लेने वाली हूं मैं लॉटरी के, पॉजिटिव वाइब्स से ये दो टिकट लेने वाली हूं। लो तुम जिंदा हो, बराबर बाटली में उतार रहे हो। हां बाटली में उतार रहे हो। इसके बाद हम यहाँ की लोकल ग्रोसरी स्टोर में गए जहाँ मुझे मिली दिवाली स्पेशल सोन पापड़ी। ये है यहाँ के रेड राइस जो हमने बहुत खाए हैं। ये छोटा छोटा जो मोटा छोटा होता है ना चावल, वो 1 किलो है 220 श्रीलंकन रुपीस का। ये 210 रुपये किलो का है। ये मोटा चावल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल, ये कौन सी है, मसूर है, कौन सी दाल है ये। ये है 460 श्रीलंकन रुपीस किलो। और छोले भी हैं। ये ड्रिंक मेरा श्रीलंका में सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रिंक है। ये एक्चुअली में फ्रूट है जिसका नाम वुडन एप्पल है, बट इसका टेस्ट अगर मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आप महाराष्ट्र गए और आपने गोलकुट का पाउडर खाया है, एग्जैक्टली वही टेस्ट है इसका। और ये ड्रिंक मतलब ड्रिंक नहीं, जूस फॉर्म में है और इतना मज़ा आ रहा है, इतना रिफ्रेशिंग है। ये मैं जहाँ जहाँ मुझे मिलता ना मैं वहाँ से पिक करके आई बीन ड्रिंकिंग दिस एंड रिफ्रेशिंग भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिफ्रेशिंग भी है और इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। प्लीज़ श्रीलंका, ये आप इंडिया में भी लॉन्च कर दो। ये सारे स्नैक्स हम अपने पूरे श्रीलंका की ट्रिप में एंजॉय करते चले क्योंकि हर जगह आपको ऐसी मार्ट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप स्नैक्स पिकअप कर सकते हैं। आरुगम बे में इन सब चीजों के अलावा मैं एक और जगह गई थी जिसके लिए आपको मेरे अगले ब्लॉग का वेट करना होगा। मैं एक प्राइवेट बीच एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने जा रही थी जो एक तरह से आरुगम बे का हिडन स्पॉट है। देखना चाहेंगे वो प्राइवेट बीच तो वेट करिए मेरे अगले ब्लॉग का। इसके अलावा मैं आपको अपना स्टे एट द 5-स्टार रिजॉर्ट जेटविंग सर्फ का भी डिटेल टूर दिखाऊंगी इन माई अपकमिंग ब्लॉग। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि श्रीलंका ट्रिप अभी बाकी है मेरे दोस्त। Until next time, this is me Apurva from Sri Logi signing out.